न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जेएमए न्यूज। बातम्या आहेत साकेनागा मुंबई दोन मधून। चांदोली विधानसभा क्षेत्राचे नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली व तमाम मनसे कार्यकर्त्यांचे विद्युत वाढीव बिलाच्या विरोधात साकेनागा मुंबई स्थित अडाणी कार्यालयासमोर मनसे स्टाईलने केले तीव्र आंदोलन। केले नागरिकांना बिल न भरण्याचे आवाहन। लाइट कापल्यास धडा शिकवण्याचा विद्युत कंपनीला दिला इशारा। आमचे प्रतिनिधी राजकुमार विश्वकर्मा यांनी याचा घेतला आढावा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय जैसा कि आप हमारे कैमरे के माध्यम देख रहे हैं कि मुंबई करो की जो लॉकडाउन से लेकर अनलॉक टू तक जो सबसे बड़ी समस्या थी इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर, आखिरकार महाराष्ट्र और हमारे सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने उस नेतृत्व को, उस विश्वपथ को अपने हाथों में ले लिया है, जिसका प्रमाण आज हम देख रहे हैं कि चांदनी प्रभाकर विभाग के अध्यक्ष, चांदनी विधानसभा के अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली के नेतृत्व में मनसे के यहाँ पे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा है। आइए जानते हैं सबसे पहले उन्होंने लेटर क्या दिया है, किस मुद्दे पर उनकी बात हुई, इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी होते किस मुद्दे बात हुई आपकी? हमारी अदानी इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारियों से यही बात हुई कि आप जिस तरह से 500-500 के बिल आ रहे थे, आज उन लोगों को आपने, आज उन लोगों को आपने 2000-3000 के बिल भेज दिए, उसका रीजन क्या है? आज महाराष्ट्र सरकार बोलती है कि घर के भाड़े मत लो, जो भाड़े पे रहते हैं उनसे आप भाड़े मत लो, जो दुकानदार है उनसे आप भाड़े मत लो, जो काम करते कंपनी को बोलते उनको पगार दो, क्योंकि वो सब उनकी जेब से नहीं जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की जनता की इतनी फिक्र होती थी तो वो बोलती थी अडानी को, टाटा को कि गवर्नमेंट पब्लिक से बिल ही मत लो। उनको जनता की कुछ पड़ी नहीं है। जहां से उनको नफा हो रहा है वहां पे वो लोग कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे नहीं है। खाली भाड़े लेने वालों को बोलेंगे भाड़े कम करो। आज आप मुझे बताओ 500-500 रुपए के बिल आते थे, आज उनको 3000-4000 के बिल आ रहे हैं। 6000 लूट रहा था किसी का खाने तो कैसे देंगे? जो मुद्दा था उस मुद्दे को अपने हाथ में लेने काम मनसे के लोगों ने किया हुआ है। भानुशाली जी, एक बार जानना चाहता हूँ कि क्या आपने मतलब किराया जो जो बिजली की जो रेट बड़ी हुई है चर्चा की है, या लॉकडाउन से लेकर अब तक बिजली माफ होनी चाहिए इस पर चर्चा हुई अपनी? नहीं, हम यहाँ पर आने का हमारा रीजन एक ही है कि यहाँ पर लोग डरे हुए हैं। एक तो उनके पास पैसे नहीं है, बराबर है, किसी के पास काम धंधे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, उन्हें डर यह है कि जो 500 रुपया बिल आ रहा था 3000-4000-5000 आ रहा है, अगर हमारा लाइट का बिल काटने है तो क्या होगा। लेकिन मैं आपके मार्फत से चांदीवली विधानसभा की जनता से एक आह्वान करता हूँ कि आप लोग, अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि हमारा बिल योग्य आया है कि अयोग्य है, अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ आप बिल मत भरो। और अगर आपका बिल भरने के लिए, बिल काटने के लिए अगर अडानी का कोई भी कर्मचारी, टाटा हो, अडानी हो, एमएससीबी हो, कोई भी हो, मेरा बोलना इतना है कि आप वहाँ पे स्थानिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता को कॉल कीजिए, वहाँ की शाखा में संपर्क कीजिए, आपका लाइट का बिल काटने को नहीं देंगे, इसकी जवाबदारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की है। ये एक लड़ाई है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, हमें लड़ना है। क्योंकि अगर 100 लोगों को, समझो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल आया, अगर 90 लोगों ने भर दिया, 100 लोगों में से 90 लोगों ने अगर बिल भर दिया तो इन लोग को मालूम है कि अब ये 10 लोग हमारा कुछ नहीं कर पाने वाले। मेरा कहना ये है कि 100 के 100 लोग बिल मत भरो, उसके बाद देखते हैं ये किसकी लाइट काटने के लिए आते हैं। अगर इनमें दम है तो मैं आह्वान करता हूँ किसी की भी लाइट काट के दिखाना, उसके बाद आपका पंगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक एक कार्यकर्ता से, आदरणीय राज साहब ठाकरे के कार्यकर्ता से, ये बात ध्यान में रख लेना। उन्होंने लेटर के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है और उन्होंने जो जो बिल की बढ़ोतरी जो है उस पर देख सकते हो आप, एक पत्र के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन दिया है। महेंद्र जी, जाते जाते एक तो और आप सवाल है कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की बात को लेकर मुद्दा उठा हुआ है, इस लॉकडाउन के दरमियान स्कूल की फीस भी माफ होनी चाहिए, इसी लोगों की मांग है। जब भी हम जाते हैं तो लोगों के सामने स्कूल की फीस भी मांगी आ रही है, इसके बारे में कभी आप राजस्थान से चर्चा करेंगे कि मतलब लॉकडाउन के दरमियान स्कूलों की फीस भी पूरी तरह से माफ कर दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन दरमियान लोगों को, जैसे आपने खुद बताया है कि लोगों के मतलब लोग कमाई खा रहे, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में हमारा नॉर्मल से स्टेट रहने वाली है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज की तारीख में महाराष्ट्र की जो जनता है उसे पूरे महाराष्ट्र में एक ही पर्याय दिख रहा है, वो है आदरणीय राज साहब ठाकरे।
आप फीस वाड़ी की बात करो, आप लाइट बिल की बात करो, जहाँ पर लोगों को पगार नहीं मिल रहा है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को बोल रही है कि एक महीना पगार दिया, अब हम पगार नहीं देंगे। कोई भी मुद्दा हो आज महाराष्ट्र की पूरी जनता को, फिर वो कोई भी हो, गुजराती हो, मराठी हो, उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम हो, आज हर किसी को एक ही नेता दिख रहा है और वो है आदरणीय राज साहब ठाकरे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हमारा फैसला होगा, अगर हमारा फैसला होगा तो सिर्फ कृष्ण कुंज के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि बाकी सब जगह तो इनकी साठगांठ है। जहाँ से इनको नफा आ रहा है वहाँ पे ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ ना कुछ नफा हो रहा है। लेकिन सबको पता है कि कृष्ण कुंज के ऊपर वहाँ पर फैसला होगा, इसलिए हर आज आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की जनता एक एक करके, फिर स्कूल की फीस के बारे में हो, लाइट के बारे में हो, हर जगह के लोग राज साहब को और हमारे आदरणीय नेता अमित राज साहब ठाकरे को मिल रहे हैं, और अमित राज साहब ठाकरे खुद जाकर हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ में सबको, जो मंत्री है उस डिपार्टमेंट के, उन मंत्रियों को पत्र देकर उन्हें खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जनता के साथ में किसी भी तरह का प्रेशर किया गया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आंदोलन का रूप दे सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक लंबी कतार ले खड़े, जबकि बरसात का मौसम पूरी तरह से दिख रहा है। सर आप काहे के लिए खड़े? लाइट बिल ज्यादा है, देख सकते हैं लाइट बिल का भी ज्यादा है सर आपका। एक महीने का बिल बहुत ज्यादा, वो अंकल को पूछो, जो अंकल बढ़े मत मेरे को कर और कर। गिटार आदमी का 7,000 बिल, देखिए बहुत बड़ी समस्या है। आपका आपका क्या मसला है? लाइट बिल बहुत ज्यादा है भाई साहब। लाइट बिल अभी देखने जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएंगे तो सबकी एक यही समस्या होगी। अब देख सकते बरसात का मौसम है, लोग भीगते हुए भी यहाँ पर मजदूर अपनी शिकायत को यहाँ पर बताने के लिए, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने मंत्री स्टाइल में आज चेतावनी साफ सुथरी दे दी गई है। उन्होंने दे दिया है कि अगर किसी का लाइट बिल ज्यादा आता है तो वो अपने स्थानीय मंच कार्यकर्ताओं से संपर्क साधे। उन्होंने वादा किया है कि वो लाइट मीटर कटने नहीं देंगे। मेरे सहयोगी चीफ एडिटर नामदेव कामले के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, साकी नाका, मुंबई से।